हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड लाइफ है। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। एक टॉपिक जो आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल है कि यूके में जो महंगाई है वो काफ़ी बढ़ रही है, काफ़ी चीज़ एक्सपेंसिव हो रही हैं, और जो लोग जानना चाहते हैं कि लाइक यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसिव है वो कितने हैं नॉर्मली, और स्पेशली फॉर कपल। तो क्योंकि काफ़ी लोग कपल लाइक आना यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं अभी के दिनों में, तो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि हमारा कितना खर्चा होगा यहाँ पे रहने का, खाने का, इस सब के बारे में आज बताने वाले हैं। स्पेशली हमारे क्या लिविंग एक्सपेंसिव है एज ए कपल यहाँ यूके में, मंथली कितना खर्चा आ जाता है, मैं ए टू जेड सब बताऊँगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीज़ास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तो काफ़ी वीडियोस आपको इस चैनल पे हेल्पफुल मिलेंगी, और अगर आप आने वाले हैं देन ये चैनल आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस। तो बात करते हैं सबसे पहले, जो सबसे मेन पूछा जाता है, ग्रॉसरी का प्राइस यहाँ पे क्या है और ग्रॉसरी पे कितना खर्चा आ जाता है। तो ग्रॉसरी बेसिकली अगर हम हमारी बात करें, तो मैं अपनी बात करूं तो हम बेसिकली एक स्टोर से कभी भी ग्रॉसरी की शॉपिंग नहीं करते, बिकॉज़ जहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ स्टोर्स में एक्सपेंसिव होती हैं, बल्कि जो दूसरे स्टोर्स होते हैं उन पे चीज़ें कम एक्सपेंसिव होती हैं। तो हम मतलब मोस्टली 2 to 3 स्टोर्स में से शॉपिंग करते हैं, और जिनमें है मॉरिसन। मॉरिसन को बोला जाता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट इतना एक्सपेंसिव नहीं है। काफ़ी चीज़ें मॉरिसन में सस्ती मिलती हैं, और जो मॉरिसन की चीज़ों की क्वालिटी होती है ना, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। वन ऑफ टॉप 3 में आता है मॉरिसन यहाँ यूके में, क्वालिटी के अगर बेस पे मैं बात करूँ तो। हम मॉरिसन से काफ़ी चीज़ें लेते हैं, और उसके बाद एल्डी से, एल्डी एंड लिडल मोस्ट चीपेस्ट माने जाते हैं यहाँ पे यूके में, तो एल्डी और लिडल हम दोनों में से शॉपिंग करते हैं। और अगर मैं लिडल की बात करूँ तो, बिकॉज हम यहाँ पे फ्रेश वेजेस खाना प्रेफर ज़्यादा करते हैं रेदर देन फ्रोजन, हम लिडल से मोस्टली फ्रेश वेजिटेबल्स लेते हैं। और उसके अलावा जो हमारे फोर्थ प्लेस होती हैं वो लोकल शॉप्स भी होती हैं ऑफकोर्स फॉर इंडियन, जो कि मसाले, आटा, चावल, ऐसी सारी चीज़ों के लिए तो हम जाते हैं जो इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ पे। तो जो नॉर्मली हमारे वीक की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से हमारा जो सामान है वो हर वीक नहीं आता, बिकॉज़ किसी मतलब आप मान सकते हो मंथ में कभी एक बार हम राइस लाते हैं, और मंथ में एक बार आटा लाना पड़ता है हमें। तो जो नॉर्मली शॉपिंग होती है वो नॉर्मल जो दूसरे स्टोर्स होते हैं वहीं से होती है। तो उसी को मैं आगे दिखाने वाली हूँ शॉपिंग, कि किस स्टोर में हम कितना खर्चा करते हैं। तो फर्स्ट आए हैं हम एलडी। एलडी में बेसिकली हम लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट, दूध वगैरह। वैसे ही आस्था में ज़्यादा चीप मिलता है, बट बिकॉज़ हम एलडी से ज़्यादा सामान लेते हैं तो यहीं से हम ले लेते हैं। इसके अलावा हम बेकरी में कुछ बिस्किट्स, ब्रेड्स वगैरह भी यहीं से लेते हैं। और ये अगर आप मैगी खाना चाहते हो तो ये एलडी के सेम जो नूडल है वो एग्जैक्टली मैगी जैसे ही टेस्ट देते हैं। इसके अलावा ये जो बीन्स के बॉक्स है ये भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे मिक्स बीन्स होती हैं। तो इतनी सी शॉपिंग हमने यहाँ से करी है, अब बिल के लिए जा रहे हैं ज़्यादा। इसके बाद हम जाएंगे मॉरिसन एंड लिडल, मोस्टली वेज। जो बिल आया वो है 13 pounds 11 pence, इतनी ग्रॉसरी का अभी जस्ट स्टार्ट है। तो अभी आए हम मॉरिसन सेकंड जगह। यहाँ की बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ से हमने बेसिकली बाय करा है पिज़्ज़ा वगैरह, और उसके अलावा कुछ डिटर्जेंट्स वगैरह लिए हैं और कुछ वेजीज। तो वापस जा रहे हैं हम, और बाहर मौसम भी अभी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो ये है बेसिकली अब तक की शॉपिंग, 13 pounds 8 28 एंड जो थर्ड वन है 31 86, तो ऑलमोस्ट 50 के ऊपर हो चुकी है अभी तक की शॉपिंग। और अभी लिडल हमने जाना है बाकी सामान के लिए, तो ऑलमोस्ट 60-70 बीच में रहती है हमारी शॉपिंग। या लिडल से योगर्ट एंड वेजीज, जिसका बिल आया 645। ये लास्ट शॉपिंग थी आज के डे की। तो गाइस, जो अगर इन सारे बिल्स को देखने के बाद आपने देख ही लिया होगा, जो हमारा नॉर्मल ग्रॉसरी का बिल है वीकली वो इतना होता ही है, 60 to 70 pounds तक चला जाता ही है, 60 नॉर्मल होता ही है अगर हम मान के चले। तो अगर हम इसके हिसाब से मंथली काउंट करें, 250-300 के बीच में रहता है हमारा यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस में ग्रॉसरी का जो खर्चा है। क्योंकि समटाइम जो ज़्यादा भी होता है, लाइक अगर हम नॉन वेज वगैरह भी बाय करें तो वो सेपरेट होता है, तो 300 तक मैक्स चला जाता ही है। बाकी जो इसका अगर मैं खर्चा बोलूँ तो वो कम और ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज
जब आप यहाँ पे रहने लग जाते हो ना, तब जो आपके एक्सपेंसेस है वो बढ़ते हैं. लाइक स्टार्टिंग में आप काफी चीजें कट कर सकते हैं, लाइक जो हम बाय करते हैं, बट फॉर श्योर लाइक जो बेसिक चीजें हैं वो तो आपको लेनी पड़ेंगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि 200 पाउंड तो आपका कहीं नहीं गया, स्पेशली अगर मैं अब की बात करूँ. अगर यही आप पिछले साल आए होते तो जो हमारा लिविंग एक्सपेंसिस था ना, स्पेशली ग्रॉसरी के लिए, तो हमारी 30 to 40 पाउंड से हमने स्टार्ट करा था जब हम यहाँ यूके में आए थे, कि 30 पाउंड मैक्स होता था हमारा वीक का. बट वही अब डबल हो चुका है, 60 to 70 पाउंड नॉर्मली जा रहा है. तो 200 पाउंड तक तो आप काउंट करके चलें कि अगर आप रिसेंटली आने वाले हैं तो 50 का तो आपका लग ही जाएगा वीकली जो यहाँ की ग्रोसरी का प्राइस है. तो 200 आप मान सकते हो. हमारा अभी फिलहाल के लिए 300 तक चल रहा है. 200 मान सकते हो यहाँ पे अभी रिसेंटली आने वाले हो तो. तो जो इसके बाद जो सबसे मेजर अगर हम मैं बोलूँ तो वो रेंट होता है लिविंग एक्सपेंसेस में. तो रेंट की बात करूँ तो एक मंथ पहले तक जहाँ पे हम रह रहे थे वो हाउस शेयर था, वहाँ पे जो हमारा रेंट था वो अप्रॉक्सीमेटली 500 था, इंक्लूडिंग ऑल बिल एवरीथिंग. तो वहाँ पे हमने सिर्फ 500 पे करना था. बट क्योंकि अब हमने यहाँ पे 1 BHK फ्लैट में मूव करा है, तो यहाँ पे सिर्फ 500 हमारा फ्लैट का रेंट है बेसिकली. उसके अलावा जो बिल्स हैं वो हमें सेपरेट पे करने पड़ेंगे, और जो बिल का अमाउंट है वो आई थिंक मिनिमम 200 तो रहेगा ही, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रिकल है. तो आई थिंक अभी तक हमें कोई बिल आया नहीं है, इस मंथ के बाद आएगा. बट क्योंकि हम मीटर चेक करते हैं यहाँ पे, हीटिंग, बॉयलर, कुकर, हर चीज इलेक्ट्रिकल है, तो 200 आराम से आ जाएगा. सो 500 प्लस 200, 700 हमारा ये हो गया. तो 1000 अभी तक हो चुका है ग्रोसरी के एंड रेंट का. और इसके बाद में जो थर्ड चीज है वो बात करूंगी, मोबाइल फोन, इंटरनेट, दोस थिंग. तो इंटरनेट हमारे घर पे वाईफाई है, जिसके जो चार्जेस है वो है 30 पाउंड पर मंथ, और हम 3 सिम्स यूज करते हैं. 2 सिम मेरे पास है, 1 सिम मेरे हस्बैंड के पास है. तो जो 2 सिम है उन पे 2 अलग जो प्लान्स चल रहे हैं 15 15 पाउंड के. तो 30 पाउंड वो हो गया 60. और उसके बाद जो मेरा फोन है उसका प्लान सेपरेटली चल रहा है, जो कि है अराउंड 88 समथिंग. तो अगर इस सब को मिलाऊं 19 पाउंड वो और 60 वो, तो 150 हमारा फिलहाल इंटरनेट और मोबाइल या फिर वाईफाई का हम बोल सकते हैं. तो 1000 पहले था और उसमें 150 और काउंट हो गया, तो 1150 हो चुका है फिलहाल के लिए. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेंसेस होता है ट्रैवलिंग का, तो मैं यूज़ करती हूँ बस पास, वो बनता है 78 पाउंड का. तो जो मेरे लिविंग लाइक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो ओनली 78 पाउंड है. बट फॉर माई हस्बैंड, बिकॉज वो जॉब करते हैं लेस्टर में, तो वहाँ पे तो रोज ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवलिंग करना बहुत ही हार्ड है, तो वो गाड़ी यूज़ करते हैं. और यहाँ पे गाइस गाड़ी लेना मुश्किल नहीं है, बट गाड़ी को रखना एक बड़ी बात है. बिकॉज यहाँ पे गाड़ी के लिए आपको पहले उसका टैक्स पे करना पड़ता है, रोड टैक्स पे करना पड़ता है, एंड फ्यूल के कंजप्शन तो होगी. जो मेरे हस्बैंड की गाड़ी का रोड टैक्स है वो है 25 पाउंड पर मंथ, और अगर मैं बात करूँ कि इंश्योरेंस की तो वो है अराउंड 130 पाउंड. तो 30 and 130 60 ये हो गया. उसके बाद अगर फ्यूल की बात करूँ तो जो उनका फ्यूल है वो मिनिमम 50 पाउंड पर वीक लग ही जाता है, 50 पाउंड तो 200 फ्यूल का हो गया. तो 350 हम रफली मान सकते हैं कि जो 350 मेरे हस्बैंड का जाता है जस्ट फॉर ट्रैवलिंग. तो अब तक कितना था, 1150, और उसमें 350 और हो गए, तो अब बन चुका है 1500. तो 1500 अभी हमारा ये खर्चा है. इसके बाद जो अदर, इसमें हमने कोई काउंट नहीं करा, ना कोई हमने बाहर आउटिंग काउंट करी है, ना हमने कोई शॉपिंग ऐसी काउंट करी है. अगर वो सब करके माने तो 1800, बाकी आप कितना खर्च करते हो इस पे भी डिपेंड करता है. तो 1800 2000 तक यहाँ पे नॉर्मल, हमने कोई आउटिंग, कोई गैदरिंग ऐसे कुछ भी इंक्लूड नहीं करा है. तो रफली 1500 से लेके 1800 तक जो नॉर्मली यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस है हमारे फिलहाल के लिए. तो अगर इनकम की बात करूँ तो टैक्स कटने के बाद अगर 2% कमा रहे हैं, तो उसमें 1% के तो हार्डली यहाँ पे यूके में फॉर नाउ लिविंग एक्सपेंसेस में ही जाएंगे आपके पैसे, आपकी मनी. बिकॉज यहाँ पे रीज़न क्या है कि पहले यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट
फिलहाल एक्चुअली में प्राइस काफ़ी बढ़ रहे हैं, अकोमोडेशन के प्राइस काफ़ी बढ़ चुके हैं। अगर यही आप पहले की बात करो तो अकोमोडेशन इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी। एक्सपेंसिव होने का एक और जो बड़ा रीज़न है वो है गैस। यहाँ पे मतलब गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग अपने घरों के प्राइस भी बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी लोग एक साथ आ भी रहे हैं जिसके कारण भी आपको यहाँ पे अकोमोडेशन मिल नहीं रही, और जो मिल रही है वो उसके प्राइस वो बढ़ा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे ना काफ़ी घरों में अब जो यहाँ पे गैस वाले स्पेशली जो रेंट पे जाते हैं ना घर, उन्होंने गैस को कट करवा के हर चीज इलेक्ट्रिकल करवा दी है। सेम हमारे घर का भी सीन है, यहाँ पे हर चीज फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिकल है, हम कोई भी गैस यूज नहीं करते। तो गाइस ये तो हमारे लिविंग एक्सपेंसेस है जो कि 1500-1800 के बीच में वेरी करते हैं। बाकी ये थोड़े कम भी हो सकते हैं, लाइक हम जैसे 300 मेरे हस्बैंड जस्ट फॉर गाड़ी के लिए दे रहे हैं। अगर वही आपका पास होगा तो ऑफकोर्स आपके वो पैसे बचेंगे, और स्टार्टिंग में आप आके रहते हो किसी के साथ शेयरिंग में तो उसमें भी आपका 500-600 तक आपको घर मिल जाएगा, तो उसमें भी आपके पैसे बचेंगे। बट स्टार्टिंग में आपके जो पैसे जाते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, आप यहाँ पे आके डिफरेंट डिफरेंट लाइक फॉर्म फिल करते हो, आप ड्राइविंग सब में भी आपके पैसे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल एक्सपेंसेस की बात करूँ तो 1000 तो आपका कहीं पे भी नहीं जाने वाला, लाइक 1000 तो आपका लिविंग एक्सपेंसेस होगा ही, अगर आप जितना भी कंजूसी से क्यों ना यूज़ करो, मुझे ऐसा लगता है। जानना चाहते थे कि यहाँ पे कितने खर्चे हैं, कितनी महंगाई हो रही है, होपफुली उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली। वॉचिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब, बाय।